بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मेरे मोहतरम प्यारे साथियों, सब देखने और सुनने वालों, आप सभी के लिए आज इनाम ही इनाम का पैगाम लेके हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हकीकत की बातें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आपको ज़िंदगी में हज़ारों खुशियां दे। सबसे पहले तमाम मुसलमानों नूं रमज़ान उल मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा बहुत ज़्यादा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें माह मुकद्दस अता फरमाया और ये बाबरकत महीना हमारे लिए अल्लाह पाक इसे हज़ारों करोड़ों रहमतां लेके आया है और हमें इन रहमतों को, इन बरकतों को हासिल करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे मोहतरम, मैं इनाम ही इनाम के नाम पर आपको इस वीडियो को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो माहे मुकद्दस हमारे लिए इनाम ही इनाम है, बहुत बड़ी रहमत है। तो हमको इस इनाम से फ़ायदा हासिल करें और इसे हासिल करें जो अल्लाह पाक के ख़ास इनाम हमें मिले हैं। तो मेरे प्यारे मुख्तरम साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि देखो ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले रमज़ान में आपके साथ कोई साथी आपके साथ थे, लेकिन अभी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि ज़िंदगी है तो हमें ये रमज़ान का बाबरकत महीना हमें मिला है। तो इस बाबरकत महीने से हमें रहमतें बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। देखो हर चीज़ों अल्लाह पाक जानता है और बहुत बड़ा गफूर रहीम है, वो चाहे तो जो चाहे कर सकता है। तो हमें भी चाहिए कि उसी की ही बारगाह में अपने आप को पेश करें और उसी से ही माफ़ी मांगें। तो ये मुकद्दस महीने के सदके, क्योंकि ये इनाम लेके हमारे लिए आया है, तो हमें इन इनाम को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि कुछ दोस्त कुछ साथी ऐसे ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सेहत भी दी है, तंदुरुस्ती भी दी है, लेकिन वो रोज़े से महरूम हैं। तो हमें इन इनाम को हासिल करने के लिए रोज़े रखने की ज़रूरत है और अपने आप को नेकी की तरफ लेके जाएं, बुराई से बच जाएं, तो अल्लाह पाक हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाएगा इस बाबरकत महीने की सदके। क्योंकि ये रहमतां बरकतां उसी की ही ज़ात की तरफ से हैं, तो अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम फ़ज़ल और करम फरमाए। बस यही छोटा सा पैगाम आपके लिए लेके हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने रहम करम और फ़ज़ल से नवाजे। जो बीमार हैं उनको शफा अता फ़रमाए, जो परेशान ने उनकी परेशानियां दूर फरमाए, हर बेरोज़गार को हलाल रिज़्क के सबब नाज़िल फरमाए। मुल्क पाकिस्तान को, तमाम मुसलमानों को, हर तमाम लोगों को, सभी को ही अल्लाह पाक अमन का गहवारा बनाए और तमाम मज़लूमों की हिफाजतां फरमाए। इन आफतां मुसीबतां सख्तियाँ बलावा तो हर किसी को अल्लाह पाक महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ सभी से मैं इजाज़त चाहता हूँ। तमाम परदेसी मुसाफरों के लिए दुआ, अल्लाह पाक हर परदेसी मुसाफर को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इंशाल्लाह सभी के लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह पाक हर किसी को अपने रहम करम और फजल से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे प्यारे मोहतरम साथियों, आप भी सभी के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इन इनाम को, इस रमज़ान की बरकतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो
ओके जी, सोनी अल्लाह पाक के वाले, अल्लाह पाक आप सब दा हामी नासर। ओके जी, रब रखा।